वेरी गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू IFS। आज हम एक नई शख्सियत से मिलने जा रहे हैं और वो शख्सियत बहुत कम समय में बनी है, बहुत कम समय में शख्सियत बनी है और हाल ही में जो परिणाम आए हैं उनके कारण हम उनको शख्सियत कह रहे हैं। आज उनसे हम आपको मिलाएंगे, खूब सारी बातें करेंगे, उनसे बहुत सारे सवाल पूछेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि आज 5 जून है, शुभ दिन है, शुक्रगुजार हैं हम सब कि हम विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं। इस विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है वन अर्थ, यानी एक पृथ्वी। पृथ्वी एक ही हम सब जानते हैं और इसको बचाना है, कंजर्व करना है, इसके संरक्षण के लिए, पर्यावरण के लिए हम जो भी कुछ कर सके हमें करना चाहिए। विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत 1972 में हुई थी और एक स्टॉकहोम सम्मेलन में ये तय किया गया था कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। लेकिन फिर 1974, 5 जून 1974 को, यानी 5 जून 1974 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। पर्यावरण के संरक्षण के लिए बहुत सारे यहां पर इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं। 100 से ज्यादा देशों में आज पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। और जनरल नॉलेज के लिए मैं आपके बता दूं कि इस बार की थीम है वन अर्थ, ठीक है। अलग अलग थीमों के लिए, अलग अलग थीमों से हर वर्ष ये पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को जिसका इंतजार था हम उनसे मिलाने जा रहे हैं आपको। आप जैसा जानते हो कि आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो बॉटनी है, बॉटनी सब्जेक्ट, उसका रिजल्ट आ चुका है और उसके रिजल्ट जो अनाउंस हुए हैं उस रिजल्ट के अनुसार जो बॉटनी लिस्ट की टॉपर हैं आज हम उनसे आपको मिलवाएंगे। उससे पहले मैं उनसे छोटा सा उनका इंट्रोडक्शन मैं आपके सामने रखता हूं। जो आज हमारे सामने आ रही हैं, हम सबको पता है इनका नाम कोमल शर्मा है। और कोमल शर्मा के बैकग्राउंड को अगर मैं थोड़ा सा बताऊं तो कोमल शर्मा जयपुर से 40 किलोमीटर दूर एक गांव है, गोविंदगढ़ गांव, सुंदर गांव है। मैम से मैंने पूछा था कि आप अपने गांव के बारे में कुछ बताइए, तो उन्होंने बताया कि उनके गांव की क्या क्या खासियत है, वहां के सरपंच, वहां के लोग, जो गर्ल्स या फीमेल्स या वीमेन एजुकेशन को लेकर के थोड़ा सा सशक्त हैं और अच्छे अच्छे इनिशिएटिव्स लेते हैं। तो उसी गांव से आई हुई, अब सोचिए जयपुर शहर से 40 किलोमीटर दूर है, लेकिन 40 किलोमीटर दूर होने के बावजूद वहां के लोगों की सोच इतनी बेहतर है कि वो सब वीमेन एजुकेशन के लिए सोचते हैं, काम करते हैं। तो गोविंदगढ़ से बिलोंग करने वाली आज कोमल शर्मा, इनकी प्रारंभिक शिक्षा तो वही गोविंदगढ़ में ही हुई थी, 10th तक की एजुकेशन, लेकिन 11th 12th इन्होंने जयपुर से किया। इनके पिताजी टीचर और इनके पिताजी के कारण साइंस को लेकर के और बहुत सारे चीज़ों को लेकर के जो क्यूरियोसिटी होती है इनके मन में हमेशा आती रहती थी, जिसका नतीजा था कि ग्रेजुएशन आते आते इनको BSc में गोल्ड मेडल मिला। तो ये BSc गोल्ड मेडलिस्ट हैं। इसके बाद MSc इन्होंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से की और 2017 यानी अभी 20 साल से कम उम्र में उन्होंने अपनी MSc कंप्लीट कर ली। 2017 में MSc कंप्लीट करने के बाद 2017 का ही दिसंबर का इन्होंने CSIR नेट क्वालिफाई किया। इन्हें जैसे ही RPSC की पोस्ट आई, अनाउंस हुआ, तो इन्हें पता चला कि IFS, हमारा जो IFS है, इंस्टीट्यूट है जहां पर आप देख रहे हो हमें, ये RPSC की कोचिंग कराता है। और RPSC की कोचिंग कराता है तो इसलिए उन्होंने RPSC का बैच ज्वाइन कर लिया। और बैच ज्वाइन करने के बाद नतीजा आपके सामने है, आज मैं इंटरव्यू कर रहा हूं। बॉटनी में इनकी फर्स्ट रैंक है, इन्होंने टॉप किया है। तो आइए मिलते हैं कोमल शर्मा जी से और जानते हैं बहुत सारे सवालों के जवाब। हेलो मैम, कैसी हैं आप? नमस्ते सर। नमस्ते, मैं अच्छी हूं सर। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि आज हम इनसे मिलने जा रहे हैं और बहुत सारे सवाल पूछेंगे, कैसी तैयारी रही होगी। और मेरा ख्याल है कि अभी ये 25 एज से कम की हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब इनकी लग चुकी है। और साथ में मैं आपको एक और बात बताता हूं कि इनका ACF का भी एग्जाम क्लियर हो चुका है और उसमें भी ये सिलेक्टेड हैं। कौन हैं ये लोग, कहां से आते हैं, ये कहां से आते हैं? स्टूडेंट्स ही है। अच्छा, मेरे स्टूडेंट्स हैं।
अच्छा ठीक है, जी बिल्कुल वाह सर। ये तो बहुत अच्छा, मेरे स्टूडेंट बहुत कमाल कर रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। और आज बहुत सारी बात जानने को मिलेगी, मैं स्टूडेंट्स आपके कमेंट्स भी पढ़ पा रहा हूँ। आपको जो कुछ भी क्वेश्चन पूछना है आप भी अपने कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछते रहिएगा, मैं आपके क्वेश्चन को जरूर मैम से पूछूंगा, इंटरव्यू में पूछूंगा। तो सबसे पहले मैं अपने कुछ सवाल जो मैं पूछना चाहता हूँ मैं पूछूंगा। सबसे पहले मैम आपका स्वागत है ना हमारे चैनल पर। थैंक यू आप सो मच सर। कोचिंग तो आप हमसे पढ़ती हैं, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब पर सबके सामने जब आपका इंटरव्यू हो रहा है, सब आपको देख रहे हैं, आज आप पूरे मन से वो सारी बातें जो आपने स्ट्रेटजी जो जी अपनाई सर। थी जिसकी वजह से आप आज टॉप कर रही हैं और आपका इंटरव्यू हो रहा है, तो ये सारी बातें आप हमारे स्टूडेंट्स को बताइए, किसी ना किसी तरीके से कहीं ना कहीं ये उनको जरूर हेल्प करेगा। तो जी सर सबसे बिल्कुल। पहला सवाल मैम जो आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, मैं वो ये पूछना चाहता हूँ, आपसे थोड़ी देर पहले बात हो रही थी तो आपने बहुत कुछ बताया भी था, जी सर। आप मुझे अपनी थोड़ा सा आरपीएससी के बारे में, तो मैं सब कुछ पूछूंगा ही आपसे, हर एक चीज खंगाल लूंगा, हर इंफॉर्मेशन मैं आपसे पूछ लूंगा, लेकिन उससे पहले डेफिनेटली सर। लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका जो शुरुआती एजुकेशन था, एजुकेशन था यानी कि 10th तक की जो एजुकेशन थी, उसका कितना रोल रहा है आरपीएससी के इस एग्जाम को टॉप करने में। मैं एक ब्रीफ आंसर आपसे चाहता हूं कि आप उसको मुझे ये समझा दीजिए कि 10th तक की आपकी एजुकेशन गांव से थी, ये हम सब जानते हैं, जी सर तो उस 10th तक के जी। एजुकेशन का कितना रोल रहा है आपके आरपीएससी के रिजल्ट लाने में। जी सर। सर जैसा कि आपने बताया कि मैं ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करती हूँ, तो उस वक्त इतनी सुविधाएं नहीं थी गांव के अंदर, तो हम ना ट्रैवलिंग भी करते थे, तो कभी ट्रक में बैठ के जाना है, कोई बस मिल रही है तो उसके थ्रू जाना है, तो कैसे जैसे करके क्यूरियोसिटी रहती थी कि कैसे भी जाके हमें स्कूल में पढ़ना है, और टीचर से जाके पूछते सर ये क्या चीज होती है, सर इसमें ऐसा हुआ तो ये कैसे हुआ, तो स्टार्टिंग से एक मतलब बना हुआ था कि मुझे ये चीज सीखनी है, ये कैसे हो रहा है, ये सारी चीजें सीखने का था, अडेप्टेशन कंडीशंस के अकॉर्डिंग किस तरह से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं चीजों को, तो ये सब मैंने स्टार्टिंग से ही बचपन से ही सीखना स्टार्ट कर दिया था। एक जुनून था पढ़ने का कि मुझे सीखने का, क्विक लर्निंग प्रोसेस किस तरह से होती है, ऑब्जर्वेशन कैसे करते हैं चीजों को, तो वहीं से मैंने ये चीज सीखी। और एक कहते हैं ना नींव मजबूत होती है तो मकान आराम से अच्छा खड़ा होता है, हाँ तो स्टार्टिंग से एक नींव मजबूत करके चली थी। तो आप बचपन से तेज थे है ना, बचपन से ही तेज थे, चलिए बढ़िया है। तो सारे स्टूडेंट को मैं बता दूं कि हाँ यहाँ पे सवाल आ रहे हैं कि एमएससी कंप्लीट 20 ईयर्स में कैसे हो गई, इसको जरा आप बताइए, बच्चे भी पूछ रहे हैं, स्टूडेंट्स भी पूछ रहे हैं कि 20 ईयर्स में आपने एमएससी कैसे कंप्लीट की, वो थोड़ा सा मतलब मेरी एमएससी तो हुई थी 22 ईयर्स में हुई थी, तो सर ये आपकी सभी का क्वेश्चन रहता है, इवन मेरे टीचर्स का भी क्वेश्चन रहता है कि आप इतनी कम उम्र में कैसे कर रहे हो, तो मेरा ये था कि स्टार्टिंग से पढ़ाई के लिए बहुत ऐसे मतलब जुनून था कि मुझे पढ़ना है, तो मैंने क्लास जंप कर दी थी एक दो क्लास, तो उस वजह से फिर मैं यहाँ तक तो पहुंच गई, अच्छा और कभी क्लास बीच शुरू में में गैप जम के, नहीं रहा, अच्छा ब्रेक नहीं रहा। अच्छा अच्छा ठीक है, तो शुरुआत में आप कूदी, लेकिन कूदने के बावजूद भी मतलब आप जम करके अगर आपने कोई क्लास स्किप की होगी उसके बावजूद भी अगर आप इतनी सफल होती हैं, तो फिर उसमें कोई, ये तो वो वाली बात हो गई कि जब मैंने बचपन में पढ़ा था रामानुजम थे, उन्होंने बहुत कम एज में पीएचडी कर ली थी, एमएससी कर जी ली थी, सर और ऐसे जी सर ऐसे ऐसे बिल्कुल एग्जाम्पल्स जो मैं किताबों में पढ़ता था ये वो वाले एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अच्छी नहीं बात सर, है। उनके बराबर तो नहीं है नहीं अभी आपके पास बहुत सारा मौका है, अभी तो आपकी शुरुआत है और आप जी बहुत सर। एकदम पहले पायदान पर हैं आप करियर के, और यहां से तो आपको बहुत दूर जाना है, आगे जी सर जब बिल्कुल। और एज बीतेगी तो हो सकता है कि आपकी बातें भी हम लोग सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो सारे लोग किताबों में पढ़ें, बहुत अच्छी बात होगी। थैंक यू सर। यहाँ पर मैम स्टूडेंट्स के सवाल भी हैं, मैं सारे सवाल को लूंगा, स्टूडेंट्स आप लगातार पूछते रहिए हमसे, चैट बॉक्स में अपने क्वेश्चन जरूर पूछिए। मैम जब आप रैंक वन हैं आरपीएससी में, आपका फर्स्ट रैंक आया, जब आप जी सर। एग्जाम देकर के निकली या जब आपको रिजल्ट का पता चला, तो क्या आपको कैसा रिएक्शन था, क्या विश्वास था आपको कि फर्स्ट रैंक आ जाएगी, कैसा लगा था आपको? सर फर्स्ट रैंक का तो नहीं था, बट इतना था कि मैं कट ऑफ क्लियर कर लूंगी, डेफिनेटली मेरा रिटर्न एग्जाम क्लियर हो जाएगा, इतना मुझे था। अच्छा रिटर्न, फर्स्ट रैंक तो अनएक्सपेक्टेबल था अच्छा ठीक है, तो रिटर्न क्लियर हो जाएगा ये आपको था, लेकिन ये नहीं जी पता था सर। कि आपकी फर्स्ट रैंक आ जाएगी। नहीं सर ये बिल्कुल नहीं पता था। अच्छा
तो मैम जब आप क्या रिएक्शन रहा होगा घर पे, क्या रहा होगा, कैसा क्या रिएक्शन रहा होगा घर पे जब आपकी फर्स्ट रैंक आ गई? सर, तो शुरू मैं यूनिवर्सिटी गई हुई थी, आते ही बस अपना जो रूटीन का वर्क होता है वो कर रही थी, तभी मेरे फादर आए, बोले कि आपका रिजल्ट आ गया है। तो फिर मैंने पूछा कि अच्छा रिजल्ट आ गया, क्या रहा? तो मैंने उन्हीं को बोल दिया कि आप ही देख के बता दीजिए मुझे। तो उन्होंने जैसे रोल नंबर वगैरह चेक किए तो बोला आपका फर्स्ट रैंक है। तो उस वक्त मुझे समझ में नहीं कि इतना अनएक्सपेक्टेबल कैसे हो सकता है, अपन तो कट ऑफ क्लियर के सोच रहे थे और ये फर्स्ट रैंक मिला है, तो बहुत अच्छा लगा था उस वक्त। वो फीलिंग ऐसी थी कि बता नहीं सकते उस चीज को, वर्ड्स के अंदर हम डिफाइन नहीं कर सकते उस फीलिंग को। वाह, तो चलिए बहुत बधाई हो हमारी तरफ से, पूरे IFS की तरफ से, सबकी तरफ से बहुत बहुत बधाई। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। मैम एक और बात की, जैसे आपका क्लियर हुआ, फर्स्ट रैंक आ गया, जी सर, जो इंटरव्यू होता है, जैसे आपने एग्जाम दिया, तो एग्जाम देने के बाद आपको ये पता चल गया कि आपका रिटर्न क्वालिफाई हो जाएगा, पर इंटरव्यू जब आप दे करके निकली थी तो उस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा था कि आपका क्लियर होगा, इंटरव्यू कैसा गया कैसा नहीं गया, वो उस समय वो कैसा स्थिति थी जब आप इंटरव्यू दे करके बाहर आई होंगी? तो सर मेरा इंटरव्यू काफी अच्छा हुआ था, जैसा मैंने सोचा था इंटरव्यू उसी डायरेक्शन में गया था, तो एक होप थी कि हाँ मे बी अच्छा होगा, टॉप 10 में तो मैं आ ही जाऊंगी। आफ्टर इंटरव्यू मेरे को ये लग रहा था कि मैं टॉप 10 में तो आ ही जाऊंगी। अच्छा, ये इंटरव्यू देने के बाद ये फीलिंग आ गई थी कि टॉप 10 में आ जाएगा? जी सर बिल्कुल। अरे वाह, तो इसका मतलब इंटरव्यू आपका बहुत बढ़िया। इंटरव्यू के बारे में तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा मैम, कि इंटरव्यू में क्या क्या पूछते हैं, वो सारी बातें मैं आपसे करूंगा, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले सबसे पहले आपकी तैयारी RPSC की किस तरह से थी? जब पहली बार आपने नोटिफिकेशन देखा तो आपने उसको कैसे तैयारी करना शुरू किया? आप मुझे उसको थोड़ा फ्रेम करके बताइए, एक ब्रीफ करके बताइए कि आपने कैसे तैयारी स्टार्ट की और फिर उसके बाद आप कैसे अंत तक पहुंचे। सर RPSC का नोटिफिकेशन आई थिंक 2 नवंबर 2020 को आया था, तो उसी वक्त इसका जब फॉर्म फिलिंग जो स्टार्ट डेट थी वो 9 नवंबर 2020 को था। देन IFAS जो है अपने कोचिंग, उन्होंने मतलब नोटिफिकेशन आते ही एक बैच स्टार्ट किया था, तो मुझे इसके बारे में पता चला, पता चलते ही फिर मैंने वो ज्वाइन किया। एंड देन एक पूरा स्ट्रेटेजिक फॉर्म के अंदर मैंने फिर जैसे जैसे टीचर्स ने मुझे गाइड किया, KC सर ने गाइड किया, नीले सोनी सर ने गाइड किया, दिगंबर सर ने, तो जैसे जैसे उन्होंने गाइड किया उसी चीज को, डायरेक्शन को फॉलो करते हुए मैं पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी मैंने। और नंबर ऑफ सोर्स के ऊपर फोकस ना करके क्वालिटी ऑफ सोर्स के ऊपर फोकस किया मैंने, ताकि हम इधर उधर हर डायरेक्शन में ना भाग करके एक ही डायरेक्शन में एक ही सोर्स को पकड़ के हम उसमें अपना जितना भी बेस्ट दे सकते हैं वो बेस्ट दे, उससे टाइम की भी बचत होगी, साथ में अपना रिवीजन प्रोसेस को भी कंटिन्यू रखा जा सकेगा, तो हम एक अच्छे से बेस बना करके उस चीज को पढ़ाई कर सकते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने की होप रहती है इस तरह से। ओके मैम, एक बार हमारे स्टूडेंट्स को आप ये बताइए कि जो सिलेबस होता है RPSC का, जो सिलेबस होता है उसको किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए, सब्जेक्ट को किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए, GK GS किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए, आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी जब प्रिपरेशन आप कर रही थी? आपने जैसा अभी बताया कि IFS में जैसे आपको गाइड किया गया वैसे आप करती चली गई, पर उस गाइडेंस के बारे में थोड़ा सा हमारे स्टूडेंट्स को बताइए कि आप फर्स्ट रैंक लाने में उसका कितना रोल रहा है। जी सर बिल्कुल। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि IFAS है, आपको सभी को पता है कि सब्जेक्ट के लिए नो डाउट बहुत अच्छा गाइड करते हैं टीचर्स, और सर बहुत ही कोऑपरेटिव स्टाफ है सर का, बहुत अच्छे टीम है सर की, तो सब्जेक्ट के लिए आप निस्फिक्र होकर के आराम से पढ़िए, जैसा जैसा वो बता रहे हैं वैसे पढ़ते जाइए। और आपको यदि लीड लेनी है कि कोई भी एग्जामिनेशन, जैसे RPSC के एग्जामिनेशन, तो आपको GK जो सब्जेक्ट है, हमारा थर्ड पेपर होता है GK का, तो उस पे फोकस रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि GK यदि आपका अच्छा है तो एक लीड मिल जाएगी आपको, क्योंकि जैसा कि नॉर्मली अपन सभी जानते हैं कि साइंस के स्टूडेंट होते हैं तो उनका GK वीक रहता है, तो वीक रहने से हम क्या कहीं ना कहीं पीछे हो जाते हैं, हम वो मेरिट अचीव नहीं कर पाते, जो टारगेट हमारा होता है उस चीज को अचीव नहीं कर पाते। तो जैसे हम सब्जेक्ट को फोकस करते हैं वैसे ही हमें साथ में GK को भी फोकस करके रखना चाहिए, क्योंकि 50 मार्क्स का होता है और एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है वो। तो GK के लिए मैंने लक्ष्य की बुक पढ़ी थी,
बहुत ही अच्छी बुक है। आप स्टार्टिंग जब करते हैं हम तो थोड़ा बोरिंग लगता है, तो स्टोरी के फॉर्म में आप पढ़िए। महाराणा प्रताप पढ़ रहे हो तो हम जैसे टीवी में स्टोरी देखते हैं ना, उस तरीके से पढ़ना स्टार्ट कीजिए कि महाराणा प्रताप कौन थे, कहाँ इनका जन्म हुआ, किस तरह से पले बड़े, कौन कौन से युद्ध किए। तो स्टोरिकल फॉर्म में आप करोगे तो आपको बहुत ही इंटरेस्ट डेवलप होगा, और इंटरेस्टिंग चीजें होती है तो अपना मन भी करता है बार बार उस चीज को रिवाइज करने का। और इसके साथ में करंट पे फोकस रखिए, क्योंकि करंट जीके में जो 100 क्वेश्चंस आते हैं, 50 मार्क्स का होता है, 100 क्वेश्चंस आते हैं, तो 100 क्वेश्चन में एटलीस्ट 20 मार्क्स जो क्वेश्चंस है वो करंट के आते हैं। तो करंट के लिए आप कोई भी मैगजीन ले लीजिए, मैं मूमल प्रिफर करती हूँ, ऑथेंटिक मैगजीन है और बहुत ही अच्छा उसमें डिस्क्राइब किया हुआ होता है। और साथ में एक न्यूज़पेपर आप रीड कीजिए डेली। तो ये सर मेरा स्ट्रेटेजी था जीके के लिए। तो मैम, जैसे आपने बताया कि आप जीके को, मतलब आपने सब्जेक्ट तो आईएफएस के भरोसे छोड़ दिया कि चलो ठीक है, आईएफएस में जो जैसे किया जाएगा वैसे करते चलेंगे, और जी सब सर, आपने जीके जो तैयारी करी वो अपने दम पे की और अपनी अलग से स्ट्रेटेजी बनाई। जी सर, मुझे ये पूछना है मैम, जीके में करंट अफेयर्स का कितना रोल होता है? मतलब जब आप जीके पढ़ते हो तो जीके नेशनल, इंटरनेशनल, राजस्थान, जी स्टेट सर, लेवल का और उसके अलावा जी करंट, इन चार पांच सेक्शन में बटा हुआ होता है। तो जी उस सर, चार पांच सेक्शन में आप मुझे ये बताइए कि किस पर जोर देना जरूरी है ज्यादा, किसका ज्यादा इंपॉर्टेंस है और किसको कम पढ़ना चाहिए, इस तरह से कुछ बताइए जीके के बारे में। सर सबसे पहले तो जीके के पोर्शन में होता आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, ये सारी राजस्थान की होती है। राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की पॉलिटिकल साइंस और राजस्थान की इकोनॉमी। तो राजस्थान की इकोनॉमी एक तरह से करंट अफेयर से रिलेटेड होती है। हमारे जो इकोनॉमिक सर्वे बजट के एक दिन पहले आता है उसको जरूर पढ़ना चाहिए। इकोनॉमिक सर्वे मस्ट है, पढ़ के जाना। एटलीस्ट उसमें से 20 to 25 क्वेश्चंस जरूर आते हैं हर एग्जाम के अंदर। मतलब तो राजस्थान इकोनॉमिक के वाले, एग्जाम, केवल इकोनॉमी वाले पार्ट से 20 से 25 यस क्वेश्चन? सर अरे जी, बहुत मेजर रोल होता है सर इकोनॉमिक सर्वे का और बजट का, क्योंकि करंट इश्यूज से भी रिलेटेड होते हैं और इकोनॉमी से भी रिलेटेड होते हैं। तो इसको पढ़ के जाना बहुत जरूरी है, और मैंने इसके ऊपर फोकस रखा था क्योंकि इसमें राजस्थान की स्कीम्स, न्यू इनोवेशन क्या हो रहा है, एनुअली हमारे राजस्थान में लास्ट ईयर में क्या क्या प्रोग्रेस हुई, इन सभी के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। और राजस्थान आर्ट कल्चर पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका मेरी नजर में जो है, आप अपनी मम्मी या दादी माँ के पास जाके बैठ जाइए और उनसे जाके पूछिए कि आपके टाइम पे क्या होता था, आप लोग किस तरह से करते थे, आपके ऑर्नामेंट्स कैसे कैसे होते थे, आप किस तरह की ड्रेसेस पहनते थे। तो ये चीजें मम्मा और दादी माँ बहुत अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं, बहुत ही लीमन लैंग्वेज के अंदर वो बताते हैं, तो हमारे जल्दी से याद हो जाती है। हम कोई चीज सुनते हैं तो वो हमें जल्दी लर्न करने की जो कैपेसिटी होती है वो डेवलप होती है इससे। तो आप बुक्स में पढ़ोगे तो उसको रट्टा मारने बैठ जाओगे, इसके बजाय आप अपने मम्मा के पास बैठिए, दादी माँ के पास बैठिए, क्योंकि वो ऑलरेडी इन चीजों को फेस कर चुके हैं, देख चुके हैं, तो आपको बहुत अच्छे से बता सकते हैं। तो मैंने यही प्रोसेस यूज की थी। और बहुत सारे स्टूडेंट जो बाहर से हैं उनको तो फिर पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि वो तो नहीं बाहर सर, से हैं, ऐसा है ना, नहीं, इंडिया आउट। के अंदर डाइवर्स कल्चर है सर, हाँ तो थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं पता चल जाता है इस चीज के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए तो मैम, यहाँ पे एक सवाल ये भी है कि आप क्या हिंदी मीडियम से थी? जी सर, मैं हिंदी मीडियम से हूँ। अच्छा, आप हिंदी मीडियम से हैं, क्योंकि हरिदेव चौधरी पूछ रहे हैं लक्ष्य आप पढ़ती हैं, इसका मतलब आप हिंदी मीडियम से हैं। तो हाँ लक्ष्य, जी सर, हाँ हरिदेव, ये हिंदी मीडियम से हैं। शिवानी सिंह का एक सवाल है मैम कि जब आप कोई तैयारी करते हैं, कोई गोल अचीव करना होता है आपको, तो आप फोकस्ड जी होकर सर, के किसी एक स्ट्रेटजी के थ्रू, मतलब उसी गोल की तरफ बढ़ती रहती हैं, जी तो सर, ये इनका ये पूछना है कि कैसे एक स्ट्रेटजी को आप रोज रोज रिपीट करके उसी फ्रीक्वेंसी से आप कैसे आगे बढ़ती हैं, अपनी तैयारी कैसे प्रोसीड करती हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। जो कंसिस्टेंसी है इसके बारे में कुछ बताइए कि कैसे आप फोकस्ड रहीं इतने टाइम तक। सर मेरा जो मैटर है उसमें ये था कि 2017 में मेरा एमएससी हो गया था, उस वक्त मैं 20 ईयर्स की भी कंप्लीट नहीं थी, तो मेरे पास में 1 ईयर था कोई भी फॉर्म अप्लाई करने के लिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। तो 1 ईयर मैंने फोकस रखा जीके के ऊपर,
ताकि मैं एक बेस क्लियर कर सकूं, क्योंकि मैं भी एक साइंस के स्टूडेंट हूं, तो मुझे भी जीके इतना नहीं आता था, बहुत ही अजीब सा फील होता था जब उसको पढ़ती थी। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि स्टोरी फॉर्म में उसको करते रहे, फ्रिक्वेंसी सेम कभी नहीं रहती है, अप डाउन होता रहता है, लेकिन ये था कि जो भी पढ़ रहे हो आप, जिस वक्त भी पढ़ रहे हो उसको अच्छे से पढ़ो। ये जरूरी नहीं है कि आप हाउस गिनने बैठ जाओ कि हाँ इतने घंटे मुझे पढ़ना है, वो 10 घंटे पढ़ रहा है तो मुझे भी 10 घंटे, ऐसा नहीं है। क्वालिटी ऑफ टाइम पे फोकस करो, जितना आप जैसे 1 घंटा पढ़ रहे हो उसको बहुत अच्छे से पढ़ो, 2 घंटे पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ो उसको। ये नहीं कि आप पढ़ाई बुक सामने रखिए और आपका माइंड कहीं और ही चल रहा है, तो उसकी बजाय आप क्वालिटी ऑफ टाइम के ऊपर फोकस रखकर कि पढ़ाई करो, और जब आपका मन नहीं है तो आपकी जो भी हॉबीज है तो उसके अंदर अपना टाइम यूज करो। बिल्कुल। आपकी क्या हॉबीज है मैम, आप क्या करती थी खाली समय में, आपका क्या हॉबीज था? गाने सुनना ज्यादातर इंडिया में तो लोगों का यही होता है हॉबीज, मतलब आप अगर कभी भी हॉबीज पूछिए, मतलब इंडियन स्टूडेंट्स कहीं भी जाए, आईएएस का एग्जाम हो या फिर जी। मैं आईएएस के भी इंटरव्यू सुन रहा था तो उसमें भी मैंने यही देखा था, जब भी कभी हॉबीज की बात आती है तो गाने सुनते हैं। आपकी क्या हॉबीज थी मैम? सर मेरी बहुत ही डाइवर्स हॉबीज रही है, एक हॉबीज पे मैं कभी भी नहीं टिकी। मुझे ड्राइंग का बहुत शौक है, तो ड्राइंग भी मैंने की है, डांस भी किया है, पेरेंट्स के साथ में बातें भी करती थी जो मेरे पास वेकेंट टाइम रहता था, भजन सुनने का काम भी बहुत किया है, भजन सुनना मेरी बहुत ही अच्छी वाली हॉबी है। अच्छा, ये तो बढ़िया है, रिलैक्सेशन फील होता था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मैम का कहने का यही मतलब है कि जब आप पढ़ते हैं तो आप जितना समय पढ़ें उतना समय पढ़ें, जितना समय आप बैठ रहे हैं, ये नहीं कि आप बैठ 10 घंटे रहें और पढ़ 2 घंटे भी नहीं रहें, तो ये कभी नहीं करना है। पढ़ाई के आवर्स काउंट नहीं होते हैं, आपने कितनी देर समझा है किसी चीज को वो काउंट होता है, तो उस चीज पर आप ध्यान रखें और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करें आप सभी। बिल्कुल। क्या मैम आपका आपका क्या ये पढ़ने का तरीका में ये भी था क्या कि आप रोजाना इतने आवर्स आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्या कुछ फिक्स आवर्स थे क्या आपके डेली रूटीन में? नहीं सर ऐसा कोई फिक्स आवर्स नहीं थे, बस ये था कि मैं जब मॉर्निंग में उठती थी तो टारगेट बनाती थी कि मुझे इतने ये टॉपिक्स क्लियर करने हैं, और फिर उन टॉपिक्स के अकॉर्डिंग अपना टाइम जो मुझे देना होता है वो टॉपिक्स को फिर मैं टाइम देती थी। कभी अप डाउन भी होता था, फ्रिक्वेंसी सेम कभी नहीं रही मेरी। इस दौरान मैम जब आप तैयारी कर रही थी, इस दौरान आपकी डेली रूटीन के बारे में थोड़ा सा बताइए कि जैसे आपने बताया कि आपके कोई फिक्स आवर्स नहीं रहते थे, यानी कि जैसे बना लिया कि इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ना ही है, तो ऐसा आप नहीं करती थी। और मैं भी अपने स्टूडेंट्स को ये बताना चाहता हूं कि जब आप ऐसा करते हो कि फिक्स आवर्स नहीं रखते हो पर आपको टॉपिक कंप्लीट करना रहता है, तो आपका माइंड बड़ा अच्छे से काम करता है। अदरवाइज अगर आपने जी सर फिक्स आवर में प्रॉब्लम ये रहती है कि अंडर प्रेशर अपन वर्क करने लग जाते हैं कि मैंने 10 आवर्स का ये टारगेट लिया है, तो 10 आवर्स होने लगते हैं, टॉपिक कंप्लीट नहीं होता है, तो एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि ये टॉपिक नहीं हुआ, तो जिस कंसिस्टेंसी के साथ हम पढ़ रहे थे वो डाउन हो जाती है वहां पे। तो क्वालिटी ऑफ टाइम पे आप फोकस करो। बिल्कुल बिल्कुल। मैम एक और सवाल है कि आपकी यानी पूरी तैयारी सारी की सारी हिंदी में ही रही होगी, है ना? जीके? नहीं सर, ऐसा जीके मेरा हिंदी में रहा है, बाकी सब्जेक्ट इंग्लिश से ही रहा है। नहीं, सब्जेक्ट तो इंग्लिश में ऑलरेडी, हाँ वो तो रहता है, लेकिन लक्ष्य आपने किसी बुक का नाम आपने बताया था ना, तो उसके बारे में फिर आप बहुत सारे स्टूडेंट्स, अच्छा तो ये हिंदी मीडियम वाली टॉपर है, ऐसा लोगों को लग रहा है ये हिंदी मीडियम वाली टॉपर। हाँ हाँ भाई हाँ, हिंदी मीडियम वाले टॉपर, तो ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप भी पढ़ो और आप भी टॉप कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं वही बार बार देख रहा हूँ। मैम जब आपने तैयारी की और आपका रिटेन, मतलब रिटेन के लिए तैयारी की और फिर उसके बाद जब इंटरव्यू के बीच में जो टाइम था, तो उसको इंटरव्यू के लिए क्या प्रिपेयर किया आपने, कैसे प्रिपेयर किया इंटरव्यू के लिए, क्या क्या बातें आपको लगी कि आपको ज्यादा अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि रिटर्न के लिए तो आपको पूरा सब्जेक्ट और जीके जीएस पूरा तैयार करना होता है। आपने बताया कि जब जीके जीएस पढ़ें तो उस पर राजस्थान का ये जो बजट वाला है या इकोनॉमिक सर्वे है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 100 में से 20-25 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होती है एक सेक्शन से अगर इतना पोर्शन आ रहा है तो। इसके बाद आपने रिटर्न दिया, रिटर्न जब आपने दिया तो कि पहले हम रिटेन की ही बात कर लेते हैं मैम, रिटेन के अंदर आपको क्या लगा कि कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा इस बार आए थे, किस पर ज्यादा फोकस करके जाना चाहिए था, और आपकी क्या तैयारी थी रिटेन के लिए,
कैसे आपने उसको क्वालिफाई किया? सर, आरपीएससी का सिलेबस इस तरह से बनाया हुआ है कि हम किसी भी यूनिट को छोड़ नहीं सकते, सभी यूनिट को साथ में लेकर के हमको पढ़ के जाना ही होता है, क्योंकि ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस फिक्स नहीं होता है कि कौन सी यूनिट से कौन सा क्वेश्चन आएगा, तो इसलिए हमें, और पेपर भी दो होते, पहले एक होता था लेकिन अब दो पेपर होते हैं, 150 क्वेश्चंस ईच पेपर आता है, तो हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि कितने क्वेश्चंस आएंगे किसी पोर्शन में। फर्स्ट पेपर जो होता है वो क्लासिकल बॉटनी का होता है, और क्लासिकल बॉटनी के अंदर बहुत ही साइलेंट फीचर्स पढ़ के जाना, ऐसा नहीं है कि मेंबर्स आप पढ़ने लगे, एलवी का जैसे वॉल बॉक्स है तो आप वॉल बॉक्स को कंप्लीट पढ़ने लगे, इस तरह आप यदि मेंबर वाइज पढ़ने लग जाओगे तो आपका पूरा टाइम उसी में निकल जाएगा, आप सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो इससे अच्छा है आप एक स्ट्रेटेजी बनाओ और जो जनरल फीचर्स है, कैरेक्टर्स है, उनको पढ़ करके और एक शॉर्ट नोट्स बना लो, पॉइंट टू पॉइंट लिख लो उसके अंदर, ताकि आपको रिविजन के अंदर भी प्रॉब्लम नहीं होगी और लास्ट मोमेंट पर आप जल्दी से उसको रिवाइज करके अच्छे से अपने प्रिपरेशन कर सकोगे। जैसे हम एलगी को लेते हैं, एलगी के अंदर आप उसके साइलेंट फीचर्स सभी को पॉइंट टू पॉइंट नोट कर लीजिए, उसमें किस तरह से रिप्रोडक्शन हो रहा है, टाइप्स ऑफ एलगी क्या है, थैलस के स्ट्रक्चर्स कैसी है, हैबिटेट के अकॉर्डिंग उनका जो टाइप है वो कौन कौन सा है, फिर मेंबर वाइज ना जाकर के आप तो फैमिली का देखिए कि फैमिली के क्या क्या कैरेक्टर है, क्योंकि तो फैमिली के कैरेक्टर को हम देखते हैं तो मेंबर्स के कहीं ना कहीं वहां पे कैरेक्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई होती है। तो इसी तरह आप फंगस के अंदर कीजिए और जो अपने लोअर क्रिप्टोग्राम्स है उसके अंदर यही स्ट्रेटेजी आप यूज कीजिए, तो आपको एक अच्छा बेस तैयार हो जाएगा इससे। और इसके अलावा जो सेकंड पेपर होता है वो सीएसआईआर, जब नेट का अपन एग्जाम देते हैं तो उसके अंदर आता है, तो वो वहां पे ऑलरेडी क्लियर हो चुका होता है। ठीक है, तो आपकी मैम सीएसआईआर का एग्जाम आपका पहले ही क्लियर हो चुका था, राइट? जी सर। तो यहाँ पर सीएसआईआर वाले बहुत सारे स्टूडेंट तो है ही, सीएसआईआर के लिए जो स्ट्रेटेजी थी, क्या वो स्ट्रेटेजी आरपीएससी में भी काम करेगी? कि मतलब सिलेबस कितना हद तक सिमिलर होता है, जैसे आपने बताया सेकंड पेपर काफी हद तक सिमिलर है, तो अगर कोई सीएसआईआर की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके लिए कितना आसान है आरपीएससी, ये आरपीएससी और सीएसआईआर ये आपस में कितना रिलेट कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा बताइए। सर, सेकंड पेपर तो ऑलमोस्ट सीएसआईआर वाला ही पोर्शन है उसके अंदर, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और फर्स्ट जो पेपर जिसको क्लासिकल बॉटनी जिसमें आती है, तो इतना बहुत हैक्टिक वर्क नहीं है, वो भी जनरल फीचर्स पूछते हैं, तो हम लोग फैक्ट्स को लर्न करके उस चीज को अप्लाई कर सकते हैं वहाँ पे। बस इसमें यह है कि डिफरेंस की बात करें सीएसआईआर और आरपीएससी के जो सिलेबस है उसमें, सीएसआईआर का पेपर जो होता है वो होता है कि अप्लाइड क्वेश्चंस आते हैं उसके अंदर, और जबकि आरपीएससी के अंदर फैक्ट्स फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सीएसआईआर की प्रिपरेशन करने वाला नहीं दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है, बहुत इजी होता है, क्योंकि ऑलरेडी वो अप्लाइड पोर्शन जब पढ़ रहा है तो फैक्ट्स तो कहीं ना कहीं उसने लर्न किए हैं, तभी तो वो अपना नॉलेज को अप्लाई कर पा रहा है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। संदेशा राज कह रहे हैं कि मैम आई एम फ्रॉम राजस्थान, दैट्स आई वांट टू आस्क दैट आई एम आल्सो फ्रॉम हिंदी मीडियम, हाउ मच टाइम विल बी सूटेबल, कितना समय पढ़ने के लिए पर्याप्त होगा? और इसका मुझे लगता है कि आपने जवाब दे दिया है कि समय को मत काउंट करिए, आवर्स को काउंट मत करिए, जितना पढ़ा है क्या उतना क्वालिटी टाइम है, आपने क्वालिटी टाइम दिया है अपनी स्टडी को, वो ज़्यादा मायने रखता है, ना कि आपके आवर्स मायने रखते हैं। और सर, ये कैंडिडेट टू कैंडिडेट वेरी भी करता है, जो स्ट्रेंथ मेरी है हो, ये नहीं हो सकता कि वो सामने वाले अदर स्टूडेंट्स की भी वही हो, या जो अदर स्टूडेंट्स की है वो स्ट्रेंथ मेरी हो, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, पोटेंशियल्स होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और मेहनत करने से ये सब चेंज भी होता है, जो जो स्ट्रेंथ है पढ़ने की वो चेंज भी होती है। मैं बता रहा हूँ ना, मैं पहले जब पढ़ता था तो मुझे बहुत पढ़ना पड़ता था, मतलब एक टॉपिक को समझने में ज्यादा समय लगता था, धीरे धीरे बड़ा होता गया और धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स टॉपिक कम समय में समझ आ जाते हैं। मतलब ये तो डिपेंड करता है आप मेहनत कर रहे हो, कि अगर आप एक सब्जेक्ट में ज्यादा मेहनत कर चुके हो तो आपका ब्रेन थोड़ा सा ओपन हो जाता है एक्सेप्ट करने के लिए चीजों को, है ना। तो टाइम मैनेजमेंट के बारे में खूब सारे सवाल आ रहे हैं मैम, टाइम मैनेजमेंट के लिए मैम ने बता दिया कि ऐसा कुछ फिक्स टाइम नहीं उन्होंने रखा अपनी स्टडी के लिए, बस इतना जरूर रखा कि आज मुझे क्या टॉपिक कंप्लीट करना है, और उस टारगेट आप लेके चलिए। बिल्कुल, टॉपिक का टारगेट आप लेकर के चलिए, और समय के चक्कर में मत पड़िए कि इतना समय हुआ उतना समय हुआ, क्योंकि उससे फिर प्रेशर आएगा
क्योंकि हो टाइम सकता है, टारगेटेड नहीं होना चाहिए। बिल्कुल हो सकता है उस समय पर आपके घर के किसी दूसरे काम में आप बिजी हो, तो आपका ये बर्डन होगा कि अरे ये मेरा पढ़ने का टाइम था और ये चला गया, तो वो प्रेशराइज करता रहेगा। इससे बढ़िया है कि आप एक टॉपिक को टारगेट करके चले, जब भी समय मिले उसको आप जरूर पढ़ रहे हैं दिन भर में। मैम अब बात करते हैं हम इंटरव्यू की, पर इंटरव्यू से पहले रिटर्न में एक सवाल और मुझे पूछना है कि जब आप एग्जाम देकर के आई, एग्जाम में आपको लगा कि आपका क्वालिफाई हो जाएगा, तो आपने जी कैसे सर कट ऑफ से आपके मतलब आप कट ऑफ को क्लियर कर लेंगे ये सब कैसे अंदाजा हुआ? आपने मैच किया था क्वेश्चन पेपर कहाँ से, क्या क्या किया था उस समय, आप इसको थोड़ा सा बताइए कि जब आप सर मैंने एग्जाम देकर के आरपीएससी आई। की जी सर सर मैंने पहले तो आईफास की से उसको मैच किया था, देन आरपीएससी की रिलीज हो गई थी तो फिर उससे मैच किया उसको, एंड देन एक आइडिया लग गया था कि हाँ मेरे मार्क्स कट ऑफ से ज्यादा आएंगे ऑब्वियसली, तो फिर बाद में जैसे रिटर्न का रिजल्ट आया तो वही जो मैंने सोचा था वही हुआ फिर वही वहां हुआ। पे भी। तो मैम एक बात और कि अभी जैसे मार्क्स तो अभी आए नहीं है, कुछ इस तरह का स्टेटमेंट तो अभी आरपीएससी ने रिलीज किया नहीं है, आपने जी जब सर की मैच की तो आपके कितने मार्क्स अराउंड बन रहे थे, आपका क्या कैलकुलेशन था? सर मेरा 147 के अराउंड मार्क्स है आउट ऑफ 200 अच्छा, रिटर्न में सेवन 147। ओके रिटर्न में वन जी फोर्टी सर सेवन मार्क्स है, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। अच्छा इंटरव्यू से बहुत सारी बातें आ रही हैं, इंटरव्यू का बिल्कुल पूछेंगे। आरपीएससी के एग्जाम गुजरात वाले दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, हाँ दे सकते आरपीएससी के हैं एग्जाम किसी भी स्टेट वाले दे सकते हैं, बस आप जनरल कैटेगरी की तरह आपको कंसीडर किया जाएगा, आप किसी भी स्टेट के हो आप एग्जाम दे सकते हैं। तो रिटर्न में कितना मार्क्स आया मैम ने अभी बता दिया, 147 मार्क्स आए। मैम आप अब हम चलते हैं, रिटर्न एग्जाम आपका हो चुका है, आप घर पर आ चुकी हैं और आपने मैच कर लिया आईएफएस की से, और फिर उसके बाद आरपीएससी की भी आ गई और बता दिया कि नहीं मार्क्स तो इतने होने, मतलब आपके मार्क्स लगभग इतने हैं और आप कट ऑफ को क्लियर कर जाएंगी, ये सब आपको पता चल गया। अब बारी आती है जी सर कि मार्क्स आप मेंटली प्रिपेयर हो चुकी हैं कि ठीक है अब तो मेरा रिटर्न क्वालिफाई हो ही जाएगा, इंटरव्यू के लिए तैयारी करनी है। तो इंटरव्यू के लिए जब आपने सोचा कि अब मुझे इंटरव्यू के लिए तैयारी करनी है, तो आपने क्या पढ़ाई शुरू की, क्या स्ट्रेटेजी थी इंटरव्यू के लिए? सर इंटरव्यू में ऐसा नहीं है कि नॉलेज चेक होता है, नॉलेज ऑलरेडी रिटर्न में चेक हो चुका होता है, और जैसे कि जनवरी के अंदर रिजल्ट आ गया था रिटर्न का तो उसी वक्त मैंने इंडियन गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट ज्वाइन कर लिया था तो मैं प्रोजेक्ट में बिजी हो गई थी और इंटरव्यू को इतना टाइम नहीं दे पाई थी कि मैं इंटरव्यू की प्रिपेयर, और इंटरव्यू के अपन कोई प्रिपरेशन कर भी नहीं सकते हैं, वो तो अपनी पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, कॉन्फिडेंस लेवल चेक किया जाता है, और जितना आपने नॉलेज अब तक गेन किया वो ऑलरेडी रिटर्न में आप वहाँ पे अपना परफॉर्म कर चुके होते हो, तो कहीं ना कहीं आपको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आप में ऑलरेडी आ चुका होता है, डेवलप रहता है, तो बस वहाँ पे एक जनरल कन्वर्सेशन होता है और आप जो अपना कॉन्फिडेंस लेवल है उसको मेंटेन रखिए और जो जो क्वेश्चन वो पूछते हैं उसको इजी वे में रिप्लाई करते रहिए, नर्वसनेस नहीं होना चाहिए वहाँ पे। ठीक है, तो नहीं अगर जैसे ये बातें तो आप अभी बता रही हैं, आपने इंटरव्यू पूरा फेस कर लिया है, सब कुछ हो गया है, आप वहां से आ जी गई सर हैं, आपने टॉप किया है, रैंक वन आई है, लेकिन जब आपको ये ज्ञान नहीं था उस समय आपके मन में क्या चल रहा था कि मुझे इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर होना है, आपने आपने उस समय क्या सोचा होगा? सर जैसे जनरल स्टूडेंट्स करते हैं एक रहता है कि फर्स्ट टाइम इंटरव्यू होता है तो अपन कैसे क्या करेंगे क्या पूछेंगे, ये सभी एक ह्यूमन बिहेवियर है, बट मेरे फादर जैसे कि आपको बताया था कि वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में बिल्कुल है तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, वहाँ कॉन्फिडेंस लेवल चेक होता है, जितना वो पूछ रहे हैं आप उसका जवाब दीजिए, नहीं आता तो आप सॉरी बोल दीजिए और घबराने की बात नहीं है कोई भी, और आप अपना जितना अब तक का नॉलेज गेन किया है बस वो वहां पे परफॉर्म करना उस चीज को, तो मैंने अपना इसी तरह से परफॉर्म किया वहां बिल्कुल पे। बिल्कुल अभी अभी मैम मैं वो कई सारे अभी आईएएस का भी रिजल्ट आया था कुछ दिन पहले, तो मैं उसको भी जी देख रहा सर था, तो मैं ये देख रहा हूं कि देश में बहुत अच्छी बात है कि जहां पर विमेन्स को इतना ज्यादा नहीं मिलता था, मौका नहीं मिलता था, आज हर एग्जाम आप देख लीजिए हर जगह लड़कियां टॉप कर रही हैं, आप जी हैं, आप सर आरपीएससी में टॉप कर रही हैं, आईएएस में भी टॉपर जो है वो भी श्रुति शर्मा है शायद, जी सर शर्मा है वो भी, और आप भी कोमल जी शर्मा सर है,
कहीं कोई कनेक्शन तो नहीं है, रैंक वन का कनेक्शन है वैसे तो ठीक है। तो श्रुति शर्मा वहाँ आईएएस की भी टॉपर है, तो मैं देख रहा हूँ कि चारों तरफ लड़कियां जो है वो अपना परचम लहरा रही हैं, हर क्षेत्र में लहरा है। लड़के कहाँ गायब हो गए, कहाँ हो आप लोग, पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हो मुझे ऐसा लग रहा है कंसर्न का टॉपिक बन रहे हैं देश में लड़के, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन बहुत खुशी की बात है, ये बहुत इंडिया के लिए प्राइड वाली बात है, हमारा प्राइड है ये जी कि सर। हाँ अब लड़कियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और सबसे बेस्ट कर रही हैं। मैम एक और सवाल है आशीष शर्मा का कि जब आप, हाँ देखिए आशीष शर्मा का बड़ा जेन्युइन सा सवाल है, आशीष कहते हैं कि जब आप इंटरव्यू के लिए जा रही थी तो क्या आपके जी मन में ये नहीं आया कि आपसे भी तो बेहतर वहां पर बहुत सारे कैंडिडेट होंगे, वहां पर तो कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जो पीएचडी वाले होंगे, पोस्ट डॉक्टरेट होंगे, तो पीएचडी पोस्ट डॉक्टरेट के बजाय इंटरव्यू में आपको क्यों सेलेक्ट किया जाए, ऐसा बहुत सारे कैंडिडेट के मन में सवाल आता है। तो इस जो ये डर था, आज लोगों का बहुत सारा डर होता है कि बहुत सारे तो मेरे से बेहतर डिग्री होगी उनके पास, तो वो उनको सेलेक्ट जी करना सर। चाहेंगे कि मुझे सेलेक्ट करना चाहेंगे, ये आप, आपने इस डर से कैसे डील किया, क्या आपको ये कभी फील हुआ था? सर मेरे साथ प्लस पॉइंट ये था कि मेरा सेकंड इंटरव्यू था आरपीएससी का, इससे पहले मैं ऑलरेडी एसीएफ का इंटरव्यू दे चुकी थी, तो अच्छा कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल ऑलरेडी डेवलप हो चुका था, एक डर नहीं था मन के अंदर, बस ये था कि रिटर्न में अच्छे मार्क्स से ठीक है होगा जो देखा जाएगा। और रही बात पीएचडी की, तो पीएचडी कोई मैंडेटरी नहीं है, हमारे जो आरपीएससी का नोटिफिकेशन उसमें मैंडेटरी नहीं है, वहां पे नेट मैंडेटरी है। तो हम ये चीज ना देखे कि सामने वाला पता नहीं इतने बड़े बड़े लोग हैं, उन्होंने उनके क्वालिफिकेशंस ज्यादा है, एक्सपीरियंस ज्यादा है, वहां पे ये चीज चेक नहीं होती, वहां पे आपका परफॉर्मेंस चेक किया जाता है, ना कि आपकी क्या क्वालिफिकेशंस रही है, कितना एक्सपीरियंस रहा है। हम जब इंटरव्यू के लिए अंदर रूम में जाएंगे, हमारा परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तो वो हमें अच्छे मार्क्स देंगे। तो इस तरह से ना सोचे कि सामने वाला अदर कैंडिडेट्स इतने अच्छे प्लेटफॉर्म से आ रहे हैं तो हम नहीं कर सकते, जब मैं कर सकती हूँ तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। सो डांस एंड क्रिएशन कह रहे हैं कि मैं आ रहा हूं सर नेक्स्ट ईयर, पहले तो चैनल का नाम बदल लो डांस एंड क्रिएशन से, पहले भी कुछ पढ़ाई लिखाई वाला ठीक है। बिल्कुल स्वागत है आपका और मैं उम्मीद करता हूं कि आप आओगे, मैं आपका वापस इंटरव्यू कर रहा हूँगा और मैं डांस एंड क्रिएशन के पीछे का नाम भी जानूंगा, जरूर जानूंगा, मुझे उम्मीद है कि आप आओगे नेक्स्ट टाइम टॉप करोगे। मैम आप एक और बात बताइए कि आपने, जैसे आपने कहा कि एसीएफ का आपने इंटरव्यू दिया था, जी तो सर। क्या एसीएफ का इंटरव्यू और ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जब आपने इंटरव्यू दिया था तो इसमें क्या क्वेश्चन की सिमिलैरिटीज होती हैं, क्या कुछ कैसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आपने कहा कि पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, सब्जेक्ट की नॉलेज चेक कहाँ ज़्यादा की जाती है, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में ज़्यादा चेक की गई आपकी या फिर आपने जब ACF का एग्जाम दिया तो वहाँ पर चेक की गई? सर दोनों डाइवर्स फॉर्म है, यदि हम एसीएफ की बात करें तो वो एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, हाँ जी जबकि असिस्टेंट प्रोफेसर है ये अपने कॉलेज एजुकेशन से रिलेटेड है। तो सब्जेक्ट के जो डेप्थ नॉलेज है वो हमें असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स के अंदर चेक की गई थी, जबकि फॉरेस्ट के अंदर हमारे सिचुएशनल क्वेश्चन है, हमारी हम सिचुएशन को कितना फेस कर सकते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन वहाँ डील किए गए थे। ओके तो मैम आपका उसमें भी सेलेक्शन हो गया था, जी सर। कॉन्ग्रेचुलेशन मैम, आप थैंक यू हर जगह सर। सेलेक्टेड हैं, बहुत ही बढ़िया है। अमन अकीब कह रहे हैं कि प्रांशु सर इज नेट स्टिल एन एलिजिबिलिटी फॉर बिकमिंग एन असिस्टेंट प्रोफेसर? यस अमन इट इज प्राइमरी एलिजिबिलिटी, यही प्राइमरी एलिजिबिलिटी है कि असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आपको बनना है तो फिर आपको, आपके पास नेट तो होना ही चाहिए, है ना। नेट अगर नहीं है तो स्टेट लेवल पर अगर आपके एग्जाम्स हो रहे हैं तो आपके पास कम से कम उस स्टेट का स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट आपको क्लियर किए होना चाहिए। राजस्थान में स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट कई दिनों से नहीं हुआ, इसलिए आपके पास कम से कम नेट तो होना ही चाहिए। नाउ मैम एक और आपसे सवाल पूछूंगा मैं इंटरव्यू से रिलेटेड, जब आपने इंटरव्यू तैयार किया तो इंटरव्यू में कितना रोल था जीके जीएस का, जनरल नॉलेज का कितना रोल था और सब्जेक्ट का कितना रोल था, अगर आप परसेंटेज में डिवाइड करना चाहें तो आप एक बार
फ्लैशबैक में जाइए और सोचिए कि अपने क्वेश्चंस आपसे कितने टाइप के पूछे गए, और उसको अगर आप तोलना चाहें परसेंटेज में तो आप कैसे तोल करके बता सकती हैं कितने प्रतिशत आपसे सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे गए थे और लगभग कितने प्रतिशत आपके जीके जीएस से पूछे गए। सर हम परसेंटेज की बात करें तो सब्जेक्ट का ज्यादा रोल होता है इंटरव्यू के अंदर, स्पेशली असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू के अंदर। यहाँ पे 70% क्वेश्चन सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं और 30% क्वेश्चन होते हैं वो जीके और जो अपना करंट अफेयर्स है उससे रिलेटेड होते हैं, तो सब्जेक्ट का बहुत मेजर रोल यहाँ होता है। ठीक है, जब मैम आप गई थी वहां पर इंटरव्यू के लिए तो सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चन आपने फेस किए, लगभग आपसे कितने क्वेश्चन, कितने कुछ क्वेश्चन पूछे गए होंगे वहां पर? सर मेरा इंटरव्यू 20 मिनट्स के अराउंड चला था। अच्छा, 20 मिनट्स। और वहाँ पे जी सर, और सब्जेक्ट से रिलेटेड हर यूनिट से मुझे क्वेश्चंस पूछे गए थे, टिश्यू कल्चर, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, हर तरह के हर यूनिट से मुझे क्वेश्चन पूछे गए थे। साथ ही मुझसे जीके और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी पूछे थे। अच्छा, करंट अफेयर्स में मैम आपसे क्या पूछा था? जैसे इंटरव्यू तो अभी कुछ टाइम पहले ही था, अभी तो 1 महीने भी शायद नहीं हुए इंटरव्यू को, तो करंट अफेयर से आपसे क्या क्वेश्चन पूछे गए थे करंट अफेयर के? सर करंट अफेयर्स से रिलेटेड मुझे एनवायरमेंटल क्वेश्चन, एनवायरमेंटल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, ग्रीन रूफिंग क्या होती है और टाइगर रिजर्व्स के बारे में पूछा गया था। अच्छा अच्छा अभी हाल ही में बूंदी के अंदर टाइगर रिजर्व बना है तो उसके लिए। अच्छा अच्छा हाँ ठीक है, तो ये करंट अफेयर्स जो है वो भी राजस्थान से, राजस्थान के करंट अफेयर्स ज्यादा है वो। जी सर। है ना, क्या मैम इंटरनेशनल किसी रिलेशंस पर या इंटरनेशनल कुछ जीएस पर कुछ ऐसा सवाल भी पूछा गया आपसे? नहीं सर, मुझे एंशियंट हिस्ट्री, इंडियन एंशियंट हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा वुमन एम्पावरमेंट, जैसा भी आपने पूछा था कि गर्ल्स हर जगह अपना परचम लहरा रही है, तो ये क्वेश्चन भी मुझसे पूछा गया था। अच्छा, वुमन एम्पावरमेंट से भी। अच्छा, वो बताइए मुझे, वो क्वेश्चन मुझे बताइए एक बार, किस तरह का सवाल था, कैसा? सर उसमें था कि वुमन एम्पावरमेंट क्या होता है, तो ये इसका आंसर मैंने बता दिया था कि वुमन एम्पावरमेंट का मतलब होता है कि हर क्षेत्र के अंदर लड़कियों को आगे लाना, महिलाओं को आगे लाना और एक निर्णय लेने की क्षमता उनके अंदर उत्पन्न करना, ताकि वो अपना सेल्फ डिपेंडेंट हो सके और अपना निर्णय क्या हमें किस टाइम पे किस सिचुएशन में किस तरह से फेस करना है इस चीज का निर्णय ले सके, और पॉलिसी मेकिंग के अंदर उनकी भागीदारी को बढ़ाना। तो वो काफी खुश हो गए थे इंटरव्यूअर ये वाला आंसर सुन के। फिर उन्होंने पूछा था कि हमारे इंडियन एंशियंट टाइम के अंदर क्या इस तरह की कोई महिलाएं थी जिन्होंने इस तरह का वर्क किया है, तो उस वक्त हमारे आर्यंस जब आए थे इंडिया में तब लोपा मुद्रा जैसी महिलाएं थी जिन्होंने काफी अच्छा वर्क किया है। मौर्य काल के अंदर जो हमारी सोसाइटी मातृसत्तात्मक सोसाइटी थी तो वहां पे महिलाओं ने बहुत अच्छा वर्क किया था, तो ये एग्जाम्पल्स मैंने वहां दिए, तो वो एंशियंट हिस्ट्री पे चले गए थे फिर। अच्छा अच्छा, तो एंशियंट हिस्ट्री का भी थोड़ा बहुत पोर्शन आया था। जी सर। चलिए, तो बहुत बढ़िया है, और आपने सब कुछ बढ़िया अच्छे से बता लिया, ये सबसे अच्छी बात है। वुमेन एम्पावरमेंट का जो आपने दिया, महिला सशक्तिकरण का जो उत्तर दिया आपने, वो भी बढ़िया उत्तर था। तो ऑब्वियसली मैंने सुना है मैम, मैंने देखा है कई सारे इंटरव्यू, मैं सुनता भी हूँ देखता भी हूँ, तो उसमें इंटरव्यू में हमेशा ये बताया जाता है कि आपका सिलेक्शन होना है या नहीं होना है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप जब वहां पर हो तो आप कैसा माहौल क्रिएट करते हो। अगर वहां पर आप एक अपनी पर्सनैलिटी से एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करोगे तो शायद आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो आपकी पर्सनैलिटी, आपकी स्मार्टनेस, कॉन्फिडेंट रहना है, धैर्य बना के चलना है, लगन के साथ में परिश्रम करते रहना है, फल तो अपना मिल जाएगा। यदि हम परिश्रम करेंगे तो उसका फल तो मिलेगा ही मिलेगा। जब हमने कोई पेड़ बोया है तो पेड़ बड़ा होके फल तो देगा ही ना। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल। चलिए, तो सो इंटरव्यू का जब आपने तैयारी की, ठीक है, अब मैम आपने जो सब्जेक्ट की जो प्रिपरेशन थी आपकी, सब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस थे वो किस तरीके से थे? अब मैं सब्जेक्ट पर आ जाता हूँ कि सब्जेक्ट किस तरीके से आपसे पूछे गए थे और क्या क्या क्वेश्चन, जैसे आपने कहा टिश्यू कल्चर के भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए, टेक्निक्स के भी कई सारे क्वेश्चन पूछे गए, बहुत सारे सवाल पूछे गए, तो कुछ एक जो सवाल हैं जो आपको लगता है कि अरे इसका ये पूछ लिया, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, कुछ इस तरह के भी सवाल थे क्या कुछ टेक्निक से रिलेटेड?
नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। बहुत ही जनरलाइज क्वेश्चंस होते हैं जो हम बेसिक्स पढ़ के जाते हैं, वही क्वेश्चंस आते हैं उसमें। मुझे टिश्यू कल्चर से पूछा था कि टिश्यू कल्चर क्या होता है, ऑक्सीजन का क्या रोल होता है टिश्यू कल्चर के अंदर। जैसा कि हम सब जानते हैं ऑक्सीजन रूटिंग इनिशिएशन के अंदर वर्क बिल्कुल करता है बिल्कुल टिश्यू कल्चर में, और टेक्निक्स के बारे में पूछा था उन्होंने, डीएनए के लिए पूछा था, सदर्न ब्लॉटिंग पूछी थी, नदर्न ब्लॉटिंग, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, एलाइजा टेस्ट पूछा था, आरटीपीसीआर है। तो इनके सिर्फ बेसिक बेसिक पूछा था, वो जान चेक करना चाह रहे थे क्या इनको बेसिक नॉलेज है या नहीं, ये बच्चों के साथ में डील कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब टीचर को बेसिक नॉलेज नहीं होगा तो फिर बच्चों के साथ में किस तरह से इंटरेक्ट करेगा। तो बस वहाँ पे अपना नॉलेज चेक नहीं होता है, सिर्फ एक पर्सनैलिटी चेक होती है कि आप तो बेसिक्स इनको आते अवेयर है या नहीं, अवेयरनेस चेक की जाती है वहाँ पे। बिल्कुल मैम, मेघा जोशी का एक सवाल है। मेघा कह रही है कि अगर आप टीचिंग लाइन में जा रही हैं तो आपको एक ही एग्जाम के बारे में सोचना चाहिए या बाकी दूसरे एग्जाम के बारे में भी सोचना चाहिए? जैसे आपने तो कर लिया, आपने तो एसीएफ भी क्लियर किया और वहां पर भी आपका सिलेक्शन हुआ, लेकिन बाकी जो कैंडिडेट्स हैं वो ये सोच रहे हैं कि अगर उनको टीचिंग करना है तो क्या वो जी सर, टीचिंग के साथ साथ, यानी टीचिंग वाले एग्जाम्स जो होते हैं उसके साथ साथ क्या बाकी एग्जाम्स पर भी फोकस कर सकते हैं? जी सर फोकस कर सकते हैं, बट आपका यदि लास्ट जो टारगेट जो होता है वो यदि टीचिंग ही है तो उसी पे फोकस करोगे तो मे बी ज्यादा अच्छा फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा आपको। ठीक है, मतलब एक ही डायरेक्शन पर फोकस करिए पहले अगर आप करना चाहते हैं तो। बाकी जी मेरे ख्याल सर, से कि उससे उस एग्जाम से रिलेटेड अगर कोई एग्जाम है तो आप उसकी तैयारी कर सकते हैं, है ना? हाँ जी सर, और एकदम अलग, दो अलग अलग नावों पे सवार होकर के बिल्कुल चलने की कोशिश मत करना क्योंकि आप परेशान हो जाओगे। ठीक है, और अगर कोई सवाल है स्टूडेंट्स आपका तो आप जरूर पूछिए। मैम मानसी का सवाल है कि इंटरव्यू में जब आपसे सवाल पूछा जा रहा था तो क्या आपने सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए थे? नहीं सर, ऐसा नहीं होता है, और हाँ। मानसी जी ऐसा कुछ भी नहीं होता है, हर क्वेश्चन अपनों को नहीं आता है। कुछ में सॉरी भी बोलना पड़ता है क्योंकि ह्यूमन नेचर होता है, एक नर्वसनेस जो जिसे कहते हैं हम, वो जब वो बड़ा सा रूम होता है वहां पे तीन बड़े बड़े लोग बैठते हैं तो एक डर भी रहता है, लेकिन उस डर को हावी ना होने थे, कॉन्फिडेंस के साथ में सॉरी बोल दे कि सॉरी सर मुझे अभी इस चीज के बारे में जानकारी नहीं है या मैं रिकॉल नहीं कर पा रही। क्यों गुमराह मत करो उनको, नहीं आ रहा है तो आप सॉरी बोल दीजिए, गुमराह करोगे तो कहीं ना कहीं आपको वो उलझा देंगे और पकड़ लेंगे कि हाँ ये मुझे झूठ बोल रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, तो वहीं पर वो आपके लिए एक नेगेटिव पॉइंट क्रिएट हो जाएगा। तो इससे अच्छा आप नहीं आता उनको इजीली सॉरी बोल दो कि नहीं आता सर हमें ये। ठीक है मैम, आपने सीएसआईआर क्वालिफाई किया है, ठीक है। हाँ पल्लवी, सीएसआईआर क्वालिफाई मैम ने किया है। कौन सी बुक प्रेफर की थी मैम आपने? सब्जेक्ट की तैयारी क्या आईएफएस नोट्स के अलावा भी कुछ आपने किया था क्या, या जो भी आपकी तैयारी की जो इंग्रेडिएंट्स थे, जो आपने मसाले डाले थे तैयारी में अपने, जो तड़का दिया था, वो सारी चीजें आज बच्चों को बताइए। सब तैयारी करना चाहते हैं, वो क्या क्या करें कैसे करें उसके बारे में थोड़ा बताइए। सर वैसे तो जरूरत नहीं पड़ी, आईफर्स की टीम इतनी सॉलिड टीम है और इतना अच्छा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं कि हमें इधर उधर हाथ पर मारने की जरूरत ही नहीं होती है। और इसके अलावा यदि अपने पास में टाइम है तो फॉरेन ऑथर्स की बुक अपन प्रीफर कर सकते हैं, तो मैंने एमएससी के टाइम पे फॉरेन ऑथर्स की बुक प्रेफर की थी, तो एक तरह से जो बेस था वो ऑलरेडी क्लियर कर चुकी थी मैं एमएससी के टाइम से, तो उसने भी मेरे को काफी हेल्प की थी। यानी बेसिक के लिए आप हमेशा, आपके बेसिक से स्ट्रांग होते होने चाहिए क्योंकि जब इंटरव्यू आपसे लिया जाता है तो इंटरव्यू में बहुत एडवांस चीजें नहीं पूछी जाती हैं। आप कोई वहां पर लैब एस्टेब्लिश नहीं करने जा रहे होगे कॉलेज में, आप वहां पर पढ़ाने जा रहे होगे तो आपको बेसिक पढ़ाने का पता होना चाहिए, तो बेसिक सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो बेसिक क्लियर करने के लिए आप जो भी कुछ सोर्स अपनाना चाहते हो अपना लो, वरना आईएफएस से अगर आप, आईएफएस इंस्टीट्यूट से अगर आप ले रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, तो फिर मैम का ये कहना है कि कुछ एक्स्ट्रा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, नोट्स जितना बढ़ा दिया है उसी को आप तैयार करते रहो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वही कह रही है। तो नोट्स आप तैयार करते रहो, नोट्स को पढ़ते रहो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, जीके जीएस का ध्यान देना बहुत जरूरी है, जीके जीएस कैसे करना है उसकी स्ट्रेटजी भी इन्होंने बताई है। एक सवाल है मैम कि लाइफ साइंस के डॉक्टर नेहा पुरी का यह सवाल है कि लाइफ साइंस के स्टूडेंट जो हैं,
जिनका एमएससी लाइफ साइंस है, उनको किस सब्जेक्ट से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, जूलॉजी से या बॉटनी से? तो मुझे तो इसमें लगता है कि हाँ, जिसमें जिसमें उनकी तैयारी अच्छी है, बिल्कुल जी सर, उनकी जिसमें ज्यादा अच्छी तैयारी हो, इंटरेस्ट जिसमें ज्यादा हो, उससे आप तैयारी करें। हरिदेव चौधरी कह रहे हैं कि मैम 147 मार्क्स आपके रिटर्न में आए थे, इस 147 मार्क्स में जीके का कितना स्कोर रहा होगा? सर मेरा 30 प्लस जीके में रहा है। ओके, जीके में आपका 30 प्लस रहा है, ठीक है। तो 30 प्लस स्कोर का मतलब ये ठीक ठाक स्कोर है, अच्छा स्कोर है, सिलेक्शन के लिए बढ़िया है, ऐसा मान सकते हैं? जी सर बिल्कुल। तो मिनिमम आप आपके हिसाब से क्या लगता है कि जीके में कम से कम कितने मार्क्स आने चाहिए? सर 15-20 मार्क्स तो होना ही चाहिए, यदि हमको लीड लेनी है और मेरिट में स्टैंड करना है तो 15-20 मार्क्स तो होना चाहिए उसके लिए। और आपके 30 प्लस थे, तो मतलब रैंक लाने वाली स्थिति में आप पहुंच चुकी थी जीके से, ठीक है, वेरी गुड। ये तो बहुत मेजर फोकस जीके पे ही रहा था स्टार्टिंग से, जो मैंने बताया आपको कि 2017 के बाद मेरे पास 1 ईयर था प्रिपरेशन का, तो मैंने आरएस मेंस का एग्जाम भी दिया है, तो वहीं से मैंने जीके को सॉलिड बनाने की प्रोसेस स्टार्ट कर दी थी। ठीक है मैम, सरिता आपसे पूछना चाहती हैं कि आपने सिर्फ आरपीएससी स्टडी मटेरियल लिया था आईएफएस से या आपने कोचिंग ज्वाइन किया था? आप कोचिंग ज्वाइन की थी? वैसे तो मैंने कोचिंग ज्वाइन करेंगे तो स्टडी वाला तो ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा अपने पास। तो कोचिंग ज्वाइन की थी आपने, आपका रेगुलर बैच ज्वाइन करती थी और रेगुलर स्टूडेंट रहती थी, है ना? जी सर। और ज्यादातर यहाँ सवाल मैम हमेशा जीके से ही पूछे जा रहे हैं, इतना जीके पूछा जा रहा है कि जैसे लग रहा है कि विज्ञान पढ़ने वालों को जीके से कोई लेना देना नहीं होता, और अब ये सोच रहे हैं जीके कोई दूसरी भाषा है, कैसे पढ़ें? मुझे पता है कि साइंस वालों को हमेशा परेशानी होती है, और स्ट्रेटेजी जैसे मैम ने बताई। हाँ जी बताइए। जी सर, मेरा मानना ये है कि साइंस के स्टूडेंट ओपन माइंडेड होते हैं, जब वो साइंस जैसे टिपिकल सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो तो जीके को क्यों नहीं पढ़ सकते, वो तो बहुत ही इजी गोइंग सब्जेक्ट है, यदि हम उसमें इंटरेस्ट डेवलप करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, हमें हमें खुद को इंटरेस्ट आएगा कि हाँ हमें ये टॉपिक पढ़ना है, ये टॉपिक पढ़ना है, इंटरेस्ट के साथ में पढ़िए आप। मैम आप अपनी सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगी? आप जो सफल हुई हैं, फर्स्ट रैंक है आपकी, तो आपका आप किसको श्रेय देना चाहेंगी अपनी सफलता का? सर फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पेरेंट्स और मेरी फैमिली को, और आईफास की टीम को, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना अच्छा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया कि मुझे हर कहीं पे भटकना नहीं पड़ा था, सब जगह मुझे सारा मटेरियल एक कंसाइज वे में मिल गया, पॉइंट टू पॉइंट मिला, जिससे कि मुझे रिवाइज करने में भी प्रॉब्लम नहीं, और मेरे फ्रेंड्स जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और कॉन्फिडेंस लेवल को मेंटेन रखने में मेरी हेल्प की, मुझे मोटिवेट किया कि नहीं तुम कर सकती हो ये चीज करी, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि अपन एक एग्जाम दी और अपन को सक्सेस मिल गई, मैंने काफी फेलियर देखा है सर 2017 के बाद, मैंने जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दी थी तो बहुत से फेलियर आए थे, लाइफ में अप डाउन्स भी काफी आते हैं, तो घबराना नहीं है, कॉन्फिडेंस रखो, और वो कहते हैं ना फेलियर इज द की ऑफ सक्सेस, तो यदि आप धैर्य और लगन और मेहनत के साथ में वर्क करोगे और यही मोटो आप अपनी लाइफ का बना के चलोगे तो सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। डरना नहीं है, हमेशा समस्याओं का समाधान निकालने के लिए सामना करना है, जैसे कि जीरोफाइटिक प्लांट्स होते हैं उसमें वो 3 टाइप के होते हैं, तो जो लास्ट वाला होता है ना टॉलरेटिंग, स्ट्रेस टॉलरेटिंग जो होता है वो घबराता नहीं है, वो जो जैसे कंडीशंस होते हैं उसमें अपने आपको अडप्ट कर लेता है, और जैसे फेवरेबल कंडीशन आती है वो वापस से वैसे की वैसे हो जाता है, तो उसी तरह हमें फ्लेक्सिबल होना है और अडप्टिव होकर के वर्क करना है और अपना कार्य करते रहना है, हार्डवर्क करते रहो। मुझे समझ में आ रहा है आपकी फर्स्ट रैंक क्यों आई, आपके एग्जाम्पल में भी साइंस है, वेरी गुड। अच्छी बात है ये। रति राम कह रहे हैं जीके के लिए कौन सी बुक, जीके के लिए मैम ने बताया मैम लक्ष्य को प्रेफर करती थी, लक्ष्य आपकी गाइड कौन सी, और कौन सी बुक थी मैम? डीप
सर डीप नॉलेज चाहिए जीके के लिए, तो पैनोरमा की बुक भी बहुत अच्छी बुक है, बट उसके लिए एक टाइम होना चाहिए। यदि आपके पास टाइम है तो आप पैनोरमा की बुक भी ले सकते हैं, दक्ष की बुक भी आती है, बट मैंने लक्ष्य को प्रेफर की थी क्योंकि टाइम कम था और साथ में मैंने स्टार्टिंग से लक्ष्य पे ही फोकस रखा था, उसी को पढ़ा था, तो एक फैमिलियर सी लगती थी मुझे वो बुक, तो मैंने फिर उसी चीज को पढ़ी। ठीक है। मदीना, जिसका CSIR क्वालिफाई नहीं है तो या तो आपके पास CSIR नेट होना चाहिए या तो सेट होना चाहिए, स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी या नेशनल लेवल एलिजिबिलिटी, तब आप जाकर के एलिजिबल होते हो इन एग्जाम्स के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपकी पहली सीढ़ी, पहला जो की होता है वह होता है कि आपके पास नेट या सेट होना चाहिए। राजस्थान में क्योंकि सेट नहीं हो रहा है, इस वजह से नेट तो आपके पास होना ही चाहिए, कम से कम LS हो चलेगा। JRF कोई जरूरी नहीं है, लेक्चररशिप भी है, अगर आप एलिजिबल हो तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। और अभी वापस से अभी कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में अनाउंस हुआ है कि RPSC की नई वैकेंसीज आने वाली हैं वापस से असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो अगर आप उसकी तैयारी करना चाहते हो तो अभी से लग जाओ। और मुझे लगता है कि जो कुछ सीखा है आपने अभी मैम से, है ना, कि कैसे तैयारी करनी चाहिए, इनका दिमाग पूरा का पूरा केंद्रित था GS GK के ऊपर सबसे पहले, और इन्होंने छोड़ दिया था अपने सब्जेक्ट को IFS के भरोसे कि IFS तो सब्जेक्ट संभाल ही लेगा, जितना IFS बताया जा रहा है IFS में जो भी गाइड किया जा रहा है उतना तो सब्जेक्ट से करते ही जाएंगे, GK GS पकड़ करके रखना है ताकि ये छूटने ना पाए। तो GK GS की लगाम और सब्जेक्ट की लगाम दोनों हाथ में लेकर के आप रेस जीत सकते हो, है ना जी सर। ठीक है स्टूडेंट्स, और कोई सवाल है अगर आपके तो आप बिल्कुल पूछिए, स्वागत है आपका। मैम आपकी इंस्पिरेशन क्या थी, आप मतलब आपको क्या चीज इंस्पायर करती रहती है हमेशा आगे बढ़ते रहने के लिए? जैसे हम सभी लोगों का कोई ना कोई आइडियल होता है, हम सब लोगों का कोई ना कोई आइडियल होता है, तो आपके कौन आइडियल हैं, आप किनको अपना आइडियल मानती हैं, आपकी इंस्पिरेशन क्या होती हैं? सर मेरे आइडल मेरे फादर और मेरे नाना जी हैं, क्योंकि वो उन्होंने इतना स्ट्रगल किया है, वो अपनी जब स्टोरी मुझे बताते थे कि किस तरह से उन्होंने स्ट्रगल किया और किस तरह से उन्होंने एग्जाम्स क्रैक की, फेलियर्स कैसे देखे, सक्सेस कैसे मिली, तो उन्होंने उनकी स्टोरीज ने मुझे काफ़ी इंस्पायर किया कि नहीं हमें इस तरह से चलना है, इस डायरेक्शन में वर्क करना है। और मेरे फादर ने मुझे बहुत गाइड किया, हर एक स्टेप पे उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, तो आज उन्हीं की बदौलत मैं आज यहाँ हूँ। मैम अगर कोई स्टोरी अगर आपको जो इंस्पायरिंग लगती हो अगर आप शेयर करना चाहें, अगर आप करना चाहें तो आप शेयर कर सकती हैं, क्योंकि कलाम साहब ने कहा था कि कहीं कोई छोटी सी स्टोरी किसी दूर बैठे स्टूडेंट को हो सकता है रास्ता दिखा दे, हो सकता है उसके मन में भी ले के बात जाग जाए कि अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो ऐसी कोई बात अगर है और अगर आपको लगता है कि नहीं ये शेयर करनी चाहिए, जानना चाहिए बच्चों को, इससे मोटिवेशन आएगा, तो आप जरूर शेयर कर सकती हैं अगर आपको लगता है। मैं आप सभी को मेरे फादर की स्टोरी बता देती हूँ। हम जैसा कि बताया आपको कि हम ग्रामीण परिवेश से है, तो उस टाइम पे जब मेरे फादर पढ़ाई करते थे तो वहाँ पे इतनी सुख सुविधाएं नहीं थी, लाइट नहीं था, पानी की व्यवस्थाएं नहीं थी, तो मेरे फादर ने भी स्टार्टिंग से पेशेंस था, पढ़ना है, ये चीज करना है, ये चीज अचीव करना है, वो अपने गोल्स बना के रखते थे कि ये टारगेट मुझे इस टाइम पे अचीव करना है। तो लाइट वगैरह नहीं होने से वो चांद की रोशनी में बैठ के पढ़ते थे, जो अपने पहले लालटेन आते थे लालटेन उनकी रोशनी में वो पढ़ते थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई की जर्नी बताई कि किस तरह से वो नहीं होती थी, कहीं से वो जुगाड़ करते थे, फटी हुई बुक्स मिलती थी, उससे फिर वो पढ़ाई स्टार्ट करते थे। तो एक माइंड में था कि जब मेरे फादर इतना कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकती। आज के टाइम पे हमको यंग जनरेशन को इतनी फैसिलिटीज मिल रही है, तो फैसिलिटीज मिलने के बावजूद हम क्यों नहीं उसको कर सकते, फैसिलिटीज का डायरेक्शन यूज करके तो हम भी तो कर सकते उस चीज को। बिल्कुल, तो बिल्कुल सही बात है कि जब पहले इतनी कोई फैसिलिटीज नहीं होती थी उसके बावजूद स्ट्रगल करके सब कुछ किया जा सकता था, शायद आराम ज्यादा मिल जाने से कंफर्ट की आदत पड़ जाती है, और कंफर्ट से जब आप निकलना नहीं चाहते तो आपके पांव खींच लिए जाते हैं सफल नहीं होने के लिए। इसलिए अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालो, अपने आप को पुश करो कंफर्ट जोन के बाहर, और फिर देखो मेहनत जब आप करते रहोगे तो सफलता आपको
जरूर मिलेगी। कंफर्ट में रहकर के कभी कोई सफल नहीं हो सकता, मुझे तो इतना पक्का यकीन है, क्योंकि मैंने भी अपनी लाइफ में जो अब तक देखा है वो यही देखा है, जितना आप कंफर्ट में रहोगे उतना आप सफलता से दूर रहोगे। जी सर, कंफर्ट से बाहर निकलना बहुत जरूरी है, कंफर्ट में रहेंगे तो हमारे गोल्स जो हमने बनाए हैं वो अचीव नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कहीं हम वहां से गुम हो चुके होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐश्वर्या तिनकर पूछ रही हैं, आपने आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कितने मंथ प्रिपेयर किया? ये तो जब से नोटिफिकेशन आया तब से ही इन्होंने प्रिपेयर करना शुरू कर दिया था। नोटिफिकेशन कब से आया था मैम? 2 नवंबर 2020। तो देख लो डेट भी याद है, समझ में आया? मुझे तो डेट ना याद रहती, पक्का मैं बता रहा हूँ, लेकिन इनको डेट भी याद है। सोचो अपने एग्जाम के लिए कितना डिटरमाइंड थी ये, है ना? तो ऑब्वियसली इनका रैंक नहीं आएगा तो किसका आएगा? एमएससी बायोकेमिस्ट्री वाले एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, आपको अलाइड सब्जेक्ट की लिस्ट देखनी पड़ेगी, है ना? ये सवाल किसका है? ये सवाल है पल्लवी का, पल्लवी सिंह, एमएससी बायोकेमिस्ट्री। अगर आपका है तो आप इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकती हैं या नहीं, आपको ये देखना पड़ेगा कि बॉटनी और जूलॉजी के अलाइड सब्जेक्ट्स में क्या ये सब्जेक्ट्स आते हैं कि नहीं। अगर ये सब्जेक्ट्स आते हैं, अगर ये सब्जेक्ट्स आते हैं तब तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, मैम केमिस्ट्री से नहीं, मैम बॉटनी से एमएससी थी और मैम का बैकग्राउंड पूरा। अनुराग वर्मा का मैम सवाल है कि आप एसीएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर में किसको ज्यादा प्रेफरेंस देंगी? अब तो आपका दोनों में सिलेक्शन है, तो आप किस में ज्यादा, कौन सी जॉब को ज्यादा प्रेफर करेंगी? सर, मेरा स्टार्टिंग से एक जो टारगेट था वो असिस्टेंट प्रोफेसर का ही रहा है, और अब तक का जितना भी मेरा पोटेंशियल था वो सारा मैंने उसी में यूज किया है, तो वही ज्वाइन करने का है अभी। अच्छा, तो ठीक है, तो देख लो सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी, और वो भी एक नहीं दो दो, ठीक है? दो यहाँ पे ऑप्शन है कि ये ज्वाइन करूँ या ये ज्वाइन करूँ। तो जब आप इतनी मेहनत करते हो, जब आपके पास इतना पोटेंशियल होता है और इतना जब टारगेटेड तरीके से मेहनत करते हो, तो आप फिर आप चूज करते हो कि आपको क्या करना है। जैसे यहां पर मैम चूज कर रही है कि उनको क्या करना है, उन्हें तो सबने चूज कर लिया, अब उनके सिलेक्शन की बारी है कि वो क्या चूज करती है, कौन सी जॉब प्रेफर करती है। नॉलेज कभी वेस्ट नहीं होता है, स्टार्टिंग में भी फेलियर्स आ सकते हैं, बट यदि आप नॉलेज गेन कर रहे हो पूरी लगन के साथ में कर रहे हो तो वो कभी वेस्ट नहीं होगा, वो एक जगह नहीं बहुत से स्टेप्स पे आपकी बहुत हेल्प करता है। बिल्कुल बिल्कुल मैम। मैम एक एक दो और सवाल है इस बात को लेकर के, क्या आगे आप पीएचडी परस्यू करना चाहती हैं? सर मेरा पीएचडी रनिंग है, अभी परसिंग पीएचडी चल रहा है। अच्छा, पीएचडी आप कर रही हैं, ओके ठीक है जी सर, फिर तो बढ़िया है। फिर तो आप पीएचडी आपकी कितने साल में कंप्लीट हो जाएगी लगभग? सर 2 इयर्स में कंप्लीट हो जाएगी। 2 इयर्स में कंप्लीट हो जाएगी, यानी आप एमएससी की, एमएससी के बाद सीएसआईआर क्वालिफाई किया, सीएसआईआर क्वालिफाई के बाद आप पीएचडी कर रही हैं, और पीएचडी करते करते आपने असिस्टेंट प्रोफेसर और एसीएफ के एग्जाम को क्लियर किया। अब सवाल असली वाला आ जाएगा कि आपने आखिर पीएचडी में ये सब मैनेज कैसे किया, ये मुझे बताइए, क्योंकि बच्चे को, इन सारे स्टूडेंट्स को तो ये पता ही नहीं था कि आप पीएचडी कर रही हैं, और इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता था कि आप पीएचडी कर रही हैं। अब मुझे बताइए कि अब पीएचडी के साथ साथ आपने कैसे कैसे एग्जाम को कैसे कोऑर्डिनेट किया?
सर मेरे पास जो एक बेनिफिट था कोविड टाइम था, तो उस वक्त स्कूल कॉलेजेस सब बंद हो गई थी, तो उस टाइम को मैंने वेस्ट नहीं किया, अपने स्टडी में यूटिलाइज किया कि टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए मुझे, अपना जो रूटीन वर्क है उसके साथ साथ में जो टाइम मुझे एक्स्ट्रा मिला है तो उसको मैं अपने स्टडी के अंदर यूज करूँ। तो एक तो वो चीज थी, दूसरे था कि मेरे गाइड बहुत सपोर्टिव थे, तो एग्जाम टाइम पे मैंने जब उनसे टाइम के लिए एग्जाम के लिए बताया कि ये मेरा एग्जाम है, इतना ड्यूरेशन एग्जाम के बीच में बचा है, तो उन्होंने फिर मुझे फुल सपोर्ट किया और उस टाइम पे उन्होंने मुझे सिर्फ स्टडी के लिए बोला कि फोकस कीजिए आप, तो ये दोनों चीजें मेरे लिए काफी सपोर्टिव रही है। तो मैम आपके जो एकेडमिक्स के मार्क्स थे, क्या उनका कितना रोल होता है आपके सिलेक्शन में? आरपीएससी जब सेलेक्ट हुई तो उनका कितना रोल था आपके सिलेक्शन में? क्या उनका कोई रोल होता भी है या नहीं होता? आरपीएससी क्या एक इंडिविजुअल एग्जाम है, क्या उसी में आपके मार्क्स और आपके इंटरव्यू डिसाइड करेंगे, या फिर कुछ एकेडमिक स्कोर्स भी होते हैं वो भी डिसाइड करते हैं कि नहीं एमएससी में इतना परसेंटेज है तो हो जाएगा, क्या ऐसा भी कुछ होता है? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है कि एकेडमिक्स में आपका कम स्कोर है तो आपको एग्जाम्स वगैरह में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते, वहाँ पे डिपेंड है कि आपका एग्जाम कैसा जा रहा है, क्योंकि आरपीएससी एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम जो उन्होंने कंडक्ट करवाया उस एग्जाम में आपका अच्छा स्कोर है तो ऑब्वियसली आपका सिलेक्शन होगा, अकेडमिक का रोल नहीं होता। अकेडमिक का रोल इतना होता है कि आप अकेडमिक यदि अच्छा है आपका तो इसका मतलब आपका ऑलरेडी बेस कहीं ना कहीं अच्छा तैयार किया हुआ है, तो बेस प्रिपरेशन में हमको अकेडमिक काफी हेल्प करता है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, खूब सारी इन्फॉर्मेशन हमने जानी, स्टूडेंट्स भी हैं यहाँ पर लगातार, और स्टूडेंट्स अब आपकी बारी है, अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं, मेरे सारे सवाल कंप्लीट हो गए, अगर आपको कुछ पूछना है तो अभी लाइव है मैम, आप पूछ सकते हैं। यदि किसी भी स्टूडेंट को कोई क्यूरी है तो आप सर से मेरा कांटेक्ट नंबर ले लीजिएगा और मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इंडिविजुअली आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं कि ये क्वेरी है तो आप, मैं आपको गाइड करूंगी, फुल सपोर्ट करूंगी। बिल्कुल मैम बिल्कुल, और ये हमारे जो आईएफएस के स्टूडेंट्स हैं मैम बहुत सीरियसली, अभी आजकल सीरीज चल रही है जेनेटिक्स की, सीरीज चल रही है, हम सब मिल करके जेनेटिक्स पढ़ा रहे हैं, केसी सर, मैं, नीलेश सर, सब मिल करके पढ़ा रहे हैं, और ये स्टूडेंट्स, अच्छा आपने देखा है, तो ये इतनी बेहतरीन तरीके से इनके आंसर्स आ रहे हैं, बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये भी बहुत अच्छा करेंगे, और आपसे बिल्कुल गाइडेंस लेना होगा तो बिल्कुल आप कांटेक्ट कर सकते हो मैम को, इस लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको थोड़ी देर के बाद मिल जाएगा, डिटेल कुछ मिल जाएगी, कॉन्टैक्ट की डिटेल तो हम वहाँ नहीं शेयर कर सकते, कॉन्टैक्ट तो आप हमसे करोगे, फिर मैं मैम का कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा, पर हाँ आपको किस पर कॉन्टैक्ट करना है मैम से कॉन्टैक्ट करने के लिए वो जरूर उसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा लिंक, ठीक है। मैम का एमएससी था राजस्थान यूनिवर्सिटी से, राजस्थान यूनिवर्सिटी से मैम ने एमएससी किया है, 10th के बाद की सारी पढ़ाई जयपुर से हुई और बीएससी वहां पर एक कॉलेज से हुआ और उसके बाद जो है एमएससी राजस्थान यूनिवर्सिटी से हुई थी। पल्लवी बिल्कुल, आरपीएससी जैसा एग्जाम हर एक स्टेट में होता है, आप हिमाचल प्रदेश से हैं तो वहां भी अभी आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम, सॉरी वहां पर अभी एचपीएससी हिमाचल प्रदेश में जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है वो भी अभी कंडक्ट कराया जा रहा है, उसकी डेट्स आ गई हैं फॉर्म की। अनुराग बिल्कुल, आरपीएससी यूपीएचएससी बॉटनी के लिए ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं, आप बिल्कुल ले सकते हो, हमारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, जिस बैच में ये कोमल शर्मा मैम पढ़ करके गई हैं वो पूरा का पूरा बैच रिकॉर्डेड वाला अवेलेबल है, आप उसको परचेज कर सकते हो, और अभी ऑफर भी चल रहा था कुछ दिन पहले, आप कॉन्टैक्ट करके पता भी कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच मैम, आप हमारे साथ स्टूडियो में कनेक्ट हुई, और आप एक लास्ट वर्ड क्या कहना चाहती हैं स्टूडेंट्स को हमारे? सर यही है कि आप पेशेंस के साथ में वर्क करते रहिए, अपना हार्ड वर्क करते रहिए, होपलेस नहीं होए, यदि एग्जाम्स में थोड़ा डिले होता है तो घबराए नहीं, बस अपने जो कंटिन्यूटी है उसको बना के रखें, और अभी नोटिफिकेशन आने वाला ही है आरपीएससी का, और आपका ये सौभाग्य है कि इतनी जल्दी वापस से न्यू वैकेंसी आ रही है, वरना तो काफी लंबा गैप होता है उसके बीच में, तो आप लोग बेसिक्स क्लियर करने में लग जाइए, अभी से पढ़ने में लग जाइए, सफलता अवश्य मिलेगी आप सभी को। थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम।
स्टूडेंट्स प्रिपरेशन में नर्वस होती है. अच्छा रियल एग्जाम, देखिए सारे एग्जाम्स वैसे भी होते हैं, वैसे ही होते हैं. आप हमारे डिस्कशन सुन लीजिएगा किस किस तरीके के सवाल पूछे गए थे. आरपीएससी का डिस्कशन पड़ा हुआ है यूट्यूब चैनल पर, किस किस तरीके के सवाल होते हैं, उसके जवाब क्या क्या था, ये सारी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, तो आप अपना आराम से देख सकते हैं. डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल कॉन्टैक्ट शेयर कर देंगे. थैंक यू एवरी वन, थैंक यू मैम. और आप हमारे साथ स्टूडियो में आई, कनेक्ट हुई, और आपने अपने एरिया में अपने पिताजी का नाम, अपने माताजी का नाम तो रोशन किया ही है, और अपने जो आज जो मुझे नाम याद आ रहा है, गोविंदगढ़ आपके गांव का नाम है, तो वो उस गांव का नाम भी रोशन किया है, जो नजदीकी कस्बे से 15 किलोमीटर दूर, इतना गांव, जो एग्जैक्टली गांव है, उस गांव का नाम भी आपने रोशन किया है. साथ ही साथ IFS का नाम भी रोशन किया है, हम लोगों का नाम भी रोशन किया है. हम लोग भी आज प्राउड करते हैं आपके ऊपर कि आपने इतने अच्छे से तैयारी की और उसके बाद फर्स्ट रैंक लाई. आज हमारी स्टूडेंट हमारे साथ गेस्ट बन करके आई हैं और हम उनका इंटरव्यू कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात होती है एक टीचर के लिए. इससे अच्छा और बेहतर और क्या हो सकता है ना? जी सर बिल्कुल. सो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू एवरीवन. मैम वापस मिलते हैं आपसे, एक बार वापस से कनेक्ट होंगे, क्योंकि बच्चों की क्वेरी आ रही थी कि ACF के लिए भी कुछ बताएं. तो बिल्कुल ACF के लिए एक अलग से सेशन कभी ऑर्गेनाइज कर लेंगे कि आपने इसकी तैयारी कैसे की, क्या रहा था, ACF का इंटरव्यू कैसा रहा था, इसके लिए एक अलग से सेशन ऑर्गेनाइज कर लेंगे, और आपके पास जैसा टाइम होगा, है ना? ठीक है, ओके डेफिनेटली सर. ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. और आप सभी पढ़े, अच्छे से पढ़े, मन से पढ़े. थैंक यू मैम. सो थैंक यू एवरीवन. ये थी कोमल शर्मा, और कुछ दिन के बाद डॉक्टर कोमल शर्मा भी हो जाएंगी, क्योंकि इनकी PhD चल रही है. और आप जैसा कि जानते हो कि हमारे साथ स्टूडियो में कोमल शर्मा पिछले 1 घंटे से ज़्यादा समय से थी. इन्होंने सारी स्ट्रेटजी के बारे में बताई कि आप GK GS कैसे पढ़ें. GK में तो मुझे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात पता चली कि बजट वाला जो है उससे 20 से 25 क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आप GK GS में वो वाला पोर्शन आप ज़रूर राजस्थान में पढ़ें. असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी के लिए फिर से अभी आप जुड़ जाइए, क्योंकि नोटिफिकेशन आ चुका है. और उस नोटिफिकेशन को देखते हुए जैसे कोमल शर्मा भी जुड़ गई थी, जैसे ही उन्होंने, उनको तो डेट भी याद है कि कब नोटिफिकेशन आया था, और उसके बाद से वो तैयारी में जुड़ गई. क्योंकि आप जानते हो कि सब्जेक्ट का जो आपको नॉलेज है वो IFS से मिल जाएगा, उसको आप IFS के भरोसे छोड़ सकते हो. IFS आपको गाइड करते रहेगा कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन सब्जेक्ट के बारे में आपको दे देगी. सब्जेक्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है, क्योंकि सब्जेक्ट ही आपको पढ़ाना होता है आगे, तो उसकी तैयारी तो हम आपको करा देंगे. पर इंपॉर्टेंट बात थी, जो स्टूडेंट्स हमेशा डरते रहते हैं कि GK GS कैसे पढ़ें, बिना किसी अलग कोचिंग के लिए अपने मन से आप GK GS की तैयारी कर सकते हो. कुछ किताबों के नाम उन्होंने बताए, उन किताबों के नाम लिख लेना, उसको मंगा लेना, जो स्ट्रेटजी उन्होंने बताई आप उसको करना, डेफिनेटली आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा. डेफिनेटली आप उनमें से होगे जिनका इंटरव्यू मैं यहां पर ले रहा हूं, और उम्मीद करता हूं कि अगली बार एग्जाम में मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूंगा. थैंक यू सो मच. गुरु कह रहे हैं कि PhD कहां से रिप्लाई दीजिए. ठीक है गुरु, आपके सवाल का जवाब फिर कभी मिल जाएगा, PhD कहाँ से, क्योंकि अब हम मैम यहाँ से अभी जा चुकी हैं, तो अभी वापस कभी देख लेंगे कि PhD कब से किया है. ACF के लिए अभी वापस उनको बुलाएंगे, तब आप वहाँ पर पूछ लीजिएगा कि PhD उन्होंने कहाँ से की है, कहाँ से कर रही हैं. बिल्कुल बिल्कुल. PhD के लिए इंटरव्यू में समझ नहीं आ रहा है क्या पढ़ के जाऊं, आप कोई भी इंटरव्यू पढ़िए लाइफ साइंस का, आपको बेसिक पढ़ करके जाना है, टेक्निक्स बेसिक, जो आपके MSc में बेसिक चीजें थी उन बेसिक्स को पढ़ करके जाइए. बहुत ज्यादा हाई फाई के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है. हर इंटरव्यू क्लियर करने का एक ही मंत्र है कि आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए. ठीक है, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन. वापस से कल मिलेंगे शाम 6 बजे, क्योंकि कल हम जानते हैं कि जेनेटिक्स की हमारी क्लास चल रही है, और आप सब लोग इतने अच्छे से तैयारी करते हो, इतने बढ़िया तरीके से पढ़ते हो, तो कल शाम 6 बजे मिलते हैं. तब तक अपना ख्याल रखिएगा, और दूसरी बात,
सफलता की एक और कहानी लिखने के लिए आप अपनी तैयारी में जुट जाइएगा। सो थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं शाम 6 बजे। थैंक यू।